नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेमंत भाटिया फिर निकले जनसंपर्क पर, वार्ड 28 में मिले लोगों से का भाजपा की शिकायत मिली सुनने को। विधानसभा चुनाव में अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत भाटिया फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने निकले। आज पार्टी ने वार्ड 28 में जनसंपर्क किया, लोगों से वोटों की अपील की। पार्टी ने कहा कि जिले के जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं वहां से भाजपा की बुराई सुनने को मिल रही है, इसे इस बार जीत कर जनता की समस्या का हल किया जाएगा। आज वार्ड 28 के अंदर हमने जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है। हम आदर्श नगर के मेन रोड की तरफ जो भाग पड़ता है वहाँ पर अभी जनसंपर्क कर कर आए हैं और यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हम सब मिलकर यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोगों का बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी की सरकार से सब परेशान हैं। यहाँ पर बहुत शिकायतें हैं, जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराए हैं, उस चीज़ की नाराज़गी है। रसोई गैस को लेकर भी यहाँ पर बहुत नाराज़गी है कि इतनी महंगाइयाँ हो गई है, और सब चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए और जिस तरह सुचारू रूप से पहले इस राज्य का प्रशासन चल रहा था उसी की मांग आज जनमानस कर रहा है और सभी ने कांग्रेस को वोट देने के लिए। आज सावित्री स्कूल में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों की मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता से मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों में भी ये भावना आती है कि हम खुद वोट नहीं दे सकते हैं तो भी अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें और मतदान बूथ तक वो जा पाए और अपने मताधिकार का उपयोग करें, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? 25 बच्चे मेहंदी प्रतियोगिता के लिए और 25 बच्चे रंगोली प्रतियोगिता के लिए आए हैं। आपका परिचय? मैं लीलामणि गुप्ता, प्रधानाचार्य सावित्री। आज भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी बीपीएल पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वासुदेव देवनानी के समर्थन मांग रहे हैं और उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अंदरकोट आए, कच्ची बस्ती जाएंगे, दो कोटला जाएंगे और दूसरी बस्ती में जाएंगे और ये हम यही कहेंगे कि जो हमारे साथ में जो दगा किया है हम उसको हराएंगे और जो हमारे साथ है उसको हम जिताएंगे। हमारा यही मकसद है। बीपीएल पार्टी पूरी अब उनको साथ तन मन धन से जिताने का सहयोग करेगी। हमारा कैंडिडेट इसलिए बैठा कि हमारे साथ धोखा किया है, अब धोखा देने का हम तो जवाब दे रहे हैं। घर घर जाकर उनको 15,000 वोटों से जाकर जिताने की हम हिम्मत रखते हैं और अब गारंटी लेते हैं कि उनको 20,000 वोटों से अधिक से हम जिता गए। पाल बीचला के लोग नहीं करेंगे मतदान। पाल बीचला में नॉन कंस्ट्रक्शन जोन को हटाने की मांग। पाल बीचला के लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदान नहीं करने का फैसला किया है। इनका कहना है कि पिछले 15 सालों से यहां पर नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है, उसे हटाने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्राध्यक्ष ने कहा कि कुछ समय पहले यहां पर दो एक दुकानें सीज की गई थी, इसलिए अगर वोट चाहिए तो पहले नॉन कंस्ट्रक्शन जोन को हटाना पड़ेगा। हम यहाँ अम्बावाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सारी कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पिछले 5 साल से हम नो कंस्ट्रक्शन जोन के नाम पे परेशान, हमें परेशान किया जाता है। आए दिन कभी किसी के पास नोटिस आता है, कभी किसी के पास नोटिस आता है। पिछले महीने ही 2 मकानों को सीज किया गया है नगर निगम द्वारा, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ पे कोई भी झील क्षेत्र ऐसा का उल्लेख नहीं है। और नो कंस्ट्रक्शन जोन के नाम पे ना तो यहाँ कोई नाली की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है। आए दिन मतलब यहाँ पे नाली का पानी जो है वो सड़क पे बहते रहते हैं। हम पिछले 15 सालों से परेशान हो रहे हैं। पिछले पांच सालों से हमारे जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन का बोर्ड लग रखा है, लेकिन पिछले 15 सालों से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। पिछले 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी के ही अपने सालों से हम चाह रहे हैं कि बस यहाँ कुछ भी नहीं, हमारे नो कंस्ट्रक्शन जोन हटे और हमें जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे लिए वो हमें उपलब्ध कराए। हाँ, हम हमारे करीब 20,000 वोटर हैं करीब इस क्षेत्र से, और हम 20,000 वोटर जो है सभी की एक सहमति है कि हम इस क्षेत्र से वोट का बहिष्कार करें। राजीव We'll be right back.
कहाँ से किस संदर्भ में चुनाव अधिकारी मीटिंग हुई, क्या आज चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस भी हैं कि चुनाव पर्यवेक्षक की एक मीटिंग कैंडिडेट्स के साथ में होगी। इस पर आज चर्चा की गई है कि वरी लिस्ट सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था कि किसी भी कैंडिडेट की अगर कोई चिंता है तो वो उसको इलेक्शन कमीशन चुनाव पर्यवेक्षक के माध्यम से उनका अवगत कराए या फिर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराए ताकि उनकी उन चिंताओं पर हम विचार करके और यदि वास्तव में लगता है जेन्यून है और इस चीज़ पर कुछ किया जाना चाहिए तो उसका प्रबंधन करा सकते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दल के जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे उनको वोटर लिस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतदान केंद्रों की सूची भी उनको उपलब्ध करवाई गई है। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि इनको आदर्श आचार संहिता, चुनाव के खर्चों के संधारण के संबंध में जानकारी दे दी जाए और किस तरह से सामग्री को प्रकाशित करवा जाए जो प्रचार के लिए इनको काम में लेनी है उन सब के बारे में इनको जानकारी दी गई। और आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता उनको बता दिया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद में IPC की धाराओं के तहत या जो भी कानून में सक्षम धारा हैं उनके अंतर्गत विभिन्न कार्रवाई लग जाएगी। इसमें आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 IPC की धाराएं या अन्य जो भी एक्ट जो लागू हैं उनके अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई। कुछ कैंडिडेट ने किस तरह की कोई परेशानी आ रही होगी? कैंडिडेट्स ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं उन पर हम मंथन करके उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा भी हमने उनको दिया ये मौका दे रहे हैं कि अगर आने वाले समय में उनको लगता है कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए, इस ये उनका वरी लिस्ट का एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है तो उस पर भी हम निश्चित रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। कोई धमकी हमकी दे रहा हो कोई कैंडिडेट को इस तरह का प्रलोभन या डराना ये सब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है और ऐसी कोई अगर शिकायत हमारे पास में आती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अभी तक इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई। अनीता बदेल ने डिग्गी बाजार में किया जनसंपर्क, समर्थकों में दिखा उत्साह, बदेल ने कहा फिर खिलेगा कमल का फूल। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब गति पकड़ रहा है। आज भाजपा की अजमेर दक्षिण की प्रत्याशी अनीता बदेल ने डिग्गी बाजार में जनसंपर्क किया। इस मौके पर समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। बदेल ने कहा कि उत्साह देखते हुए लगता है कि इस बार भी भाजपा कमल का फूल खिलाएगी। डिग्गी चौक, डिग्गी मोहल्ला, मनुष्य पावड़ी और हमारा जो झूलेलाल मंदिर है वहाँ पर जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसको मैं बयान नहीं कर सकती और मुझे खुशी है इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता होता है और उसी के नाते से उन्होंने पूरे समर्पण के साथ में इस जनसंपर्क को पूरा किया है और जिस तरह से मतदाताओं का समर्थन मुझे मिला है उससे मुझे 200% यकीन है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से खिलने। जी सर बताइए। श्रीमान SP साहब, GRP अजमेर के आदेश अनुसार पिछले काफ़ी समय से विधानसभा चुनाव को देखते हुए अजमेर रेलवे स्टेशन पे विशेष सघन चेकिंग अभियान जो हमारा चल रहा था उसी के दौरान कल दिनांक 24/11/2018 की रात्रि को राजधानी एक्सप्रेस में यात्रीरत एक व्यक्ति जिसका नाम तेंजिंग है जो शिमला निवासी है हाल माउंट आबू निवासी के कब्जे से 5 लाख रुपये केस जब्त किए गए पैसों के बारे में उसने कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया, न उसके पास कोई वैध मालिकाना हक के दस्तावेज मिले। नियमानुसार उन पैसों को 102 CRPC में जब्त किया गया और तेंजिंग को धारा 109 CRPC में गिरफ्तार किया गया। पैसों बाबत पूछताछ जारी है। जी सर बताइए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लगने के बाद में GRP अजमेर थाने की टीम द्वारा करीब पिछले महीना 1.5 महीने से लगभग 1.25 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है और इसी अभियान के तहत 35 किलो चांदी भी जब्त की गई है और यह अभियान अभी तरीके से राहुल गांधी जी आ रहे हैं केवल उनका
दरगाह और पुष्कर का कार्यक्रम है। देखिए सामाजिक सद्भाव के साथ में, सद्भावना की भावना के साथ में माननीय राहुल गांधी जी का दौरा यहाँ पर निश्चित हुआ है। राहुल गांधी जी सुबह सबसे पहले दरगाह जाएंगे और उसके बाद में तीर्थराज पुष्कर की नगरी में ब्रह्मा जी के दर्शन भी करेंगे, पुष्कर सरोवर भी जाएंगे। निश्चित रूप से एक सामाजिक सद्भाव के साथ साथ एक ऐसी भावना के साथ में है कि देश का, राज्य का और विशेषकर राजस्थान के लिए खुशहाली का वातावरण बने, राजस्थान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, इस भावना के साथ में ये माननीय राहुल गांधी जी का दौरा है। और यहाँ आज बैठक आयोजित की गई है अजमेर शहर कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें तय किया जाएगा किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाए और किस प्रकार से दर्शन के बाद में वो लोगों से किस प्रकार से मिलते हुए निकलें, इस प्रकार का हमने कार्यक्रम तय किया है। कोई जनसभा या कोई जनसभा नहीं है, सिर्फ भगवान के दर्शन और दरगाह के में हाजिरी लगाने का कार्यक्रम माननीय राहुल गांधी जी का है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के सभी नेता लोग, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के वरिष्ठ सब नेता उपस्थित रहेंगे। उत्साह तो आप सभी देख ही रहे हैं। आज हमने यहाँ पे प्रधान कार्यालय का नानकी भवन के अंदर शुरुआत की है। अभी एक सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है। हमारे मिश्रा जी यहाँ पर हैं, विजय जैन साहब हैं और पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भी वहाँ जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो सभी और डीसी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी टीम और पूरे 32 वार्ड से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। सभी में कांग्रेस का उत्साह है। पूरी अजमेर की जनता और राजस्थान प्रदेश की जनता बीजेपी के कुशासन से परेशान है। सब लोगों का ये प्रण निश्चय किया है एक आम मतदाता ने कि हम बीजेपी के जो विधायक हैं और बीजेपी की सरकार राजस्थान में है इसे उखाड़ फेंकेंगे। उनका वो इतना उतावलापन है जनता के अंदर कि वो 7 तारीख कह रहे हैं कि अगर आज आ जाए तो हम आज मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आने वाले हैं, क्या तैयारियां आपकी तरफ से, किस तरह की धार्मिक यात्रा है उनकी अजमेर में, उसकी भी चर्चा है। जैसे राजस्थान की परंपरा रही है अतिथो देव भय, राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सभी के दिलों की धड़कन है, वो अजमेर आएंगे तो उनके स्वागत की तैयारियां जोरों से है और आज इस मीटिंग के अंदर उन तैयारियों का भी जायजा किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनका जो है जोरदार स्वागत यहां पर हो। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल खत्म, प्रशासन ने मांगी सभी मांगे वापस लौटे काम पर। पिछले 8 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा हड़ताल की जा रही थी, जिसके कारण पिछले कई दिनों से मरीजों को भी परेशानी हो रही थी। रेजिडेंट डॉक्टर इस मामले को लेकर कई दिनों से प्रशासन से वार्ता कर रहे थे और इसी के बीच कल की वार्ता सफल रही और सभी रेजिडेंट डॉक्टर वापस अपने कार्य पर लौट आए हैं, जिससे मरीज भी खुश नजर आए। हाँ, आज हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस काम पर आ गए हैं। कल की वार्ता जो हमारी सेक्रेटेरिएट में हुई सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन से, बड़ी ही सकारात्मक रही। हमारी सारी मांगे उन्होंने शांतिपूर्वक सुनी और उन पे उनको मान लिया गया है। लगभग सारी बातें जो हैं हमारी मान ली गई हैं। हम प्रशासन के रवैये से संतुष्ट हैं और हम आगे भी आशा करते हैं कि इसी सकारात्मक माहौल से हमारी बातें सुनेंगे और उनको कार्य बहिष्कार पर जाने से पहले ही पूर्ण करेंगे ताकि जनता को और हमें कोई दोबारा तकलीफ ना हो। अजमेर में ये जो कार्य बहिष्कार है करीब 8 दिन चला, प्रदेश भर में जो ये कार्य बहिष्कार है करीब 3 दिन चला, उसके बाद जाकर प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली। डॉक्टर अरुण आर्य, वाइस प्रेसिडेंट आरडी अजमेर। अभी हमारे को सूचना मिली थी रेलवे केराज में कोई जो स्क्रैप है उसमें आग लगी हुई है, तो सूचना मिलते हैं मौके पर गाड़ी रवाना की गई और यहाँ आने के बाद पता लगा हद तक कि इन्होंने आग खुद ने काबू कर ली थी और बाकी उसके बाद जो स्क्रैप था उसमें आग थी, जो सीट वगैरह के जो कवर होते हैं सीट वगैरह होती है उसका स्क्रैप था उसमें आग थी। नुकसान आग लगने का तो ऐसा कोई खास कारण शॉर्ट सर्किट वगैरह पता नहीं लगा, या तो हो सकता है कि कोई स्मोकिंग वगैरह कोई खराब हो या नुकसान कितना करीब का है। नुकसान तो स्क्रैप था भी, उसकी रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, अभी रिपोर्ट मिलने के बाद। आपका नाम? काबू पा लिया आग पे पूरी तरह से? काबू पा लिया, जान माल का ज़्यादा किसी माल हानि नहीं हुई किसी प्रकार की, स्क्रैप था वो स्क्रैप सही है। कितना आपका? सूर्य प्रताप सिंह, फायरमैन। राजस्थान ब्राह्मण महासभा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा मंत्री वासुदेव देवनान के खिलाफ समस्त सामान्य वर्ग से अपील करेगा कि वासुदेव देवनानी को
इस चुनाव में हराकर अजमेर से उदयपुर भेजा जाए। इसके लिए ब्राह्मण समाज दृढ़ संकल्प लेकर के तैयार है, पूरी योजना उसके लिए तैयार है। ब्राह्मण समाज उस आहट को नहीं भूला है जो मेयर के चुनाव में जिस प्रकार से एक सामान्य वर्ग के साथ जेके शर्मा, ज्ञानजी सारस्वत, भागीरथ जोशी अनेक प्रकार से जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए और उस मेयर के इलेक्शन में उन्होंने सामान्य वर्ग के साथ कुठाराघात किया, उसी प्रकार जिस प्रकार एक मृतक कर्मचारी जो 16.5 लाख रुपए मंत्री के पीए के माध्यम से देता है और वह जब उनके काम नहीं होते तो वह सुसाइड हो जाता है और सुसाइड नोट उसने 20 आदमियों को दिए हैं जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, कोई भी मीडिया के भाई मेरे पास आकर देख सकते हैं। उसमें FIR लगती है, प्रधानमंत्री की ओर से जांच के आदेश दिए जाते हैं, मंत्री सरकार से दबाव कर करके उससे जाँच से जो दूर भागते हैं। साथ में मंत्री के एक घोटाले नहीं है, जो मंत्री अपने ही विधायक से थप्पड़ खा करके आए, अजमेर का स्वाभिमान गिराए, उसके लिए ब्राह्मण समाज यहाँ से दूर भगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लिए रिजर्व था, सामान्य वर्ग के हकों को उन्होंने जानबूझ के अपने दबाव में उन्होंने मारा और एक बार तो सुभाष खंडेलवाल तक को नामांकन नहीं बनने दिया, दूसरी बार जो है फिर सामान्य वर्ग का आया तो फिर वापिस OBC वर्ग के कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा और सामान्य वर्ग के अधिकारों को मारा, चाहे वो जेके शर्मा हो, चाहे भागीरथ जोशी हो, जितने भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में 5-5 बार चुनाव जीत के आए हैं उन्हें बिल्कुल अपने मगरमच्छ के आंसू निकालने पड़े और वो आज तक बिलखते रहे। हम उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर में एक भी टिकट ब्राह्मणों को नहीं दिया है, जबकि ब्राह्मणों की बाहुलता अजमेर जिले के अंदर पर्याप्त और काफ़ी मात्रा के अंदर है और 8 विधानसभा में ब्राह्मण प्रभावित करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को नज़रअंदाज किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद में वासुदेव देवनानी जी जो अपने पिछले आवेदन जो भरा था उन्होंने, तब तक वो प्रोफेसर लगाते थे, परंतु वो ब्राह्मणों का डर और ब्राह्मणों का खौफ था कि इस बार जो आवेदन पत्र भरा उसमें उनकी प्रोफेसर लगाने की हिम्मत नहीं हुई, इतनी हिमाकत नहीं हुई, यानी कि ब्राह्मणों का खौफ उनके मन के अंदर घर घर गया है और ये खौफ उनको दिखाएगा कि असली में क्या हालत होती है। इस बार प्रोफेसर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने डर के मारे नहीं किया, ये ब्राह्मणों का खौफ है। दूसरा ये था कि तबादलों का मामला हुआ, जिस तरह से पता है शिक्षा विभाग में तबादला उद्योग चल रहा है और एक मंत्री, और हमारे लिए शर्मनाक बात है कि अजमेर का विधायक होकर बाहर के विधायक से पिटकर आए। सुबह 7 बजे से जनता जनार्दन के दरबार में हाथ जोड़कर शीश झुका रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, उनसे स्नेह मांग रहा हूँ और उनसे ताकत मांग रहा हूँ, और मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ के अंदर वार्ड 52 के, वार्ड 51 के, और मैं जिन जिन वार्ड में गया मैं उन कार्यकर्ताओं का कैसे धन्यवाद दूँ, मेरी आम जनता का किस तरह धन्यवाद दूँ। मुझे लगा कि आम जनता ने अपने बेटे को अपने गोद में बैठा लिया है और उनका आशीर्वाद जिस तरह मुझे मिल रहा है, जो स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई जिम्मेदारी के साथ, और जैसे जैसे जनता का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है उतनी जिम्मेदारी मेरी और बढ़ रही है कि मैं जो उनकी भावना है उनकी भावनाओं के अनुरूप अजमेर को सुंदर बना पाऊँ, अजमेर को विकसित बना पाऊँ और अजमेर के तमाम जनता का सम्मान रख पाऊँ, ऐसा काम सारा जीवन करने का प्रयास करूँगा।
खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com सच के साथ।